विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत को लेकर दुर्ग संभाग स्तरीय कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं की मेहनत और संघर्ष की सराहना की। साथ ही घोषणा पत्र में किए गए वादों पर अमली जामा पहनाना शुरू करने की बात कही। दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आयोजित भाजपा के संभाग स्तरीय कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में भारतीय जनता पार्टी के तमाम राष्ट्रीय और प्रदेश के नेताओं ने शामिल होकर कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया। इसी अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ताओं की मेहनत और संघर्ष से भाजपा ने जनता की सेवा करने का अवसर पाया है। साथ ही कहा कि भाजपा सरकार के अस्तित्व में आते ही छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र के वादों पर अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। की गारंटी में हमारी पार्टी का है छत्तीसगढ़ की जनता से कि जो विवाहित महिलाएं हैं महतारी बंधन योजना में उनके खाते में साल में 12,000 रुपया देंगे, वो काम भी शुरू करने वाले हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो गैस के कार्डधारी हैं, गैस कनेक्शन के कार्डधारी हैं, उनको 500 रुपया में गैस का सिलेंडर देने का भी काम करेंगे। और जितने भी वादे की आप सब लोगों को मालूम है, चुनाव प्रचार के दौरान आप सभी लोग जनता से आप लोग भी वादा किए हैं। मोदी गारंटी में जो भी वादा है, आने वाले 5 साल में छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको निश्चित रूप से पूरा करेगी। बहुत विलम्ब हो गया है, मैं और ज्यादा वक्त नहीं ले, देखें तो इस बार 40.27% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और इसमें आपका दुर्ग संभाग का बहुत बड़ा योगदान है। 20 विधानसभा सीट में से 10 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता कर दिए हैं। और इसके लिए मुख्यमंत्री के नाते हमारे दुर्ग संभाग के सभी हमारे नेताओं का कार्यकर्ता भी है। 2 साल का धान का बोनस 12 लाख से भी ज्यादा किसानों का, 3716 करोड़ रुपया से ज्यादा 25 दिसंबर को उनके खातों में ट्रांसफर कर दिए। 25 दिसंबर जो भारत रत्न और छत्तीसगढ़ के निर्माता सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। आज छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने खिलवाड़ किया था, पीएससी में भारी घोटाला हुआ था और मोदी की गारंटी में वादा था इसकी उच्च स्तरीय सीबीआई जांच कराएंगे। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने पीएससी में जो घोटाले हुए हैं सीबीआई को उसका जांच करने के लिए सौंप दिए हैं। वहीं इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव ने कहा, आने वाले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर जनता भाजपा को आशीर्वाद देने को तैयार है। भाजपा के कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ जनता के बीच जाएं और मोदी सरकार और प्रदेश सरकार की लागू की गई योजनाओं को बताएं। उन्होंने कहा कि आज का यह कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के अभिनंदन का है। कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत भूपेश सरकार को खाड़ने में की है, उसके लिए कार्यकर्ताओं की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। भाजपा कार्यकर्ता विपरीत धारा में भी काम करके परिणाम दिखाना जानते हैं। वहीं भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सुशील सरोज पांडे ने कहा कि 500 सालों से भगवान श्री रामचंद्र की जन्म स्थली में मंदिर के लिए संघर्ष चलता रहा, लेकिन उसका सार्थक परिणाम आने वाली 22 जनवरी को दिखेगा, जब अयोध्या से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश की जनता का वर्षों पुराना स्वप्न मोदी सरकार ने पूरा किया है। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों ने प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा सहित अन्य नेतागण उपस्थित रहे। वहीं संभागीय कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह का मंच संचालन जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने किया और आभार प्रदर्शन दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने किया। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया को इस प्रकार दी। देखिए 2023 के विधानसभा चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व मिली विधानसभा की सीट लेकर सरकार बनाए हैं और इसमें हमारे कार्यकर्ताओं का अहम रोल है। हमारे कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से पार्टी के लिए काम किया तभी इतनी बड़ी सफलता मिली है। तो आज का ये कार्यक्रम दुर्ग संभाग के सभी हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का यहाँ पर था। हम लोग थोड़ा लेट हुए लेकिन सबको हम लोग यहाँ पर धन्यवाद दिए हैं उनके मेहनत के लिए उनके परिश्रम के लिए। अब ईडी अपना काम करते रहता है आएगा इंतजार करते रहे। एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।